आज हम स्टडी करेंगे आईडियल प्रेसेस के सारे क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल प्री में 2019 में पूछे गए हैं। एंड मैंने इसके सिनोनिम्स पहले ऑलरेडी करा दी हैं, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा। सो आईडियल प्रेसेस के आज सारे क्वेश्चन हम कर देंगे। सो आई एम तुषार एंड यू आर वॉचिंग वी आर रॉक। एंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज टू टेक ए फ्रेंड्स की, मतलब बिना किसी चीज को सोचना दिए कहीं से चले जाना। ऑप्शन नंबर ए इज वेलकम होस्ट, ये इसका आंसर नहीं है। एक्नॉलेज टी होस्ट, ये भी इसका आंसर नहीं है। लीव विदाउट परमिशन, ये भी इसका आंसर नहीं है। एंड डी इज टी विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना किसी सूचना दिए चले जाना। इंटीमेशन मतलब होता है सूचना देना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सेकेंड वन इज ए हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टास्क है ना, तो इजली कंकरेज, ये इसका आंसर नहीं है। इजली डिसअपॉइंट, ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एंड ऑप्शन नंबर डी इज नॉट इंस्टेंट, ये भी इसका आंसर नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्नेक इन द ग्रास, मतलब छुपा हुआ स्टम्प, हिंदी में बोल सकते हैं छुपा हुआ स्टम्प, तो ए को डिफिकल्ट टू फाइंड, ये भी नहीं है। ए वेलविशर, ये तो नहीं है। ए फ्रेंड नहीं है। ए सीक्रेट एनिमी, मतलब एक ऐसा एनिमी जो अपना फ्रेंड है लेकिन वो अंदर ही अंदर से अपना दुश्मन हो, उसको बोलते हैं ए सीक्रेट एनिमी। ऑन स्नैक में मतलब होता है पैर तलना। ऑन फुट सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑन ए लॉन, ये भी नहीं हो सकता। ऑन ए एलिफेंट, ये भी नहीं होगा। ऑन ए बाइसाइकिल, ये भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट कम था फिफ्थ वन, ब्लो वन साउंड ट्रम्पलेट, ट्रम्पेट, अपने ही बड़ाई करना, अपने ही गुनगाना, इसको बोलते हैं ब्लो वन साउंड ट्रम्पेट। फॉलो अदर्स, ये नहीं है। प्राइस का आंसर, बीस का आंसर हो जाएगा। करने वन अदर्स, बुराई करना, नहीं है। वी सेल्फ रिलेटेंट, ये भी नहीं है। इस बिल्डर में इसमें होता है जो सीक्रेट है उसका उजागर कर देना, तो परफॉर्म म्यूजिक, ये भी नहीं है। वर्क हार्ड, ये भी नहीं है। वेस्ट मनी, ये भी नहीं है। गिव अवे सीक्रेट, ये इसका आंसर होगा। ये सीक्रेट लिखा हुआ है, दिखाता हूँ आपको। गिव अवे सीक्रेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज बैक टू द स्क्वायर वन, मतलब जहाँ से चल रहे हैं वहीं पर वापस आ जाए, उसको बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। और एक्स्ट्रा नंबर ए इज नेगलेक्ट समथिंग, ये भी नहीं है। कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ड्रॉ ए स्क्वायर, ये भी नहीं बनेगा। एंड मूव एट आगे जाना, ये भी नहीं बनेगा। डेड मतलब ऐसा चीज जो मरा हुआ है और उसको लग रहे हैं अपन, मतलब ना ही जी तो ना ही हार, ड्रॉ पाएगा, तो ए क्लोज कॉन्टेस्ट डेड एंड इन ए टाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू वन हेडियर, ये इसका आंसर नहीं होगा। ए डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ए डेड हीट वेव, स्ट्रॉन्ग हीट वेव, ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी डी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये अपन बार बार याद करेंगे, पढ़ेंगे ऑटोमेटिक चल जाएंगे। ऑब्जर्वेंट टेस्टर, ये नहीं है। पुलिस मुफ्ता, ये नहीं है। प्रॉब्लमेटिक, नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका आंसर हो जाएगा। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। टू थ्रो इफेक्ट, मतलब अपना गुस्सा किसी और उतार देना। और भी अनकॉन्शियस, ये भी नहीं है। अच्छे दोनों नहीं हो सकता। क्वेश्चन संबंध आउट फिटनेस, ये भी नहीं हो सकता। एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, ये इसका आंसर है। फेंट एंड फॉल डाउन, हल्का हो जाना एंड चल कम चले जाना, ये भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेक टू लाइट, मतलब उजागर करना, वो रिवील सीक्रेट हो जाएगा, तो रिवील क्लियर इसका आंसर हो गया ए। चीयर संबंध, ये भी नहीं है। प्राइस इन पब्लिक, ये भी नहीं है। बैटन अप, ये भी नहीं है। होल्ड वाट, मतलब किसी चीज को वैलिड रखना, प्रूव कर सके अपन जिस चीज को, तो टू बी फिकल चंचल ऐसा होता है, मतलब फिकल का मतलब, ये भी नहीं है। टू बी बिजी, ये भी नहीं है। टू बी डीप, ये भी नहीं है। सी आंसर हो जाएगा टू बी वैलिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बेड ऑफ रोसेस, रोसेस से पता लग रहा हो खुशी की वाली बात हो रही है यहाँ पर, तो ए डिफिकल्ट पार्ट, ये भी नहीं है। ए रिसेंट परफ्यूम, परफ्यूम की बात नहीं है। ए वैल्यू फुल ऑफ, ये भी नहीं है। ए एलर्जी एंड हैप्पी सिचुएशन है, सी इसका आंसर। ए क्लोज फिस्टेड फ्रेंड, मतलब जो बंद रहता है, मतलब कंजूस टाइप का। ए क्रूल फ्रेंड, ये भी नहीं है। ए काइंड पर्सन, ये भी नहीं है। ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, ये भी नहीं है। ए माइजर पर्सन, मतलब माइजर मतलब कम खर्चीला, जो सोच समझ कर खर्च करता है, कंजूस इंसान,
उसको बोलते हैं माइनर पर्सन। नेक्स्ट इज 15। 15 इज टू टेक द वुल बाय हर हॉर्न्स, मतलब कोई भी ऐसा काम तो डिफिकल्ट हो, बुल हार्ड होती मतलब खतरनाक होती दिखने में, और उसको सिंगों के द्वारा पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है पकड़ने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग टू स्पेक एरोगेंटली कुटिलता से बात करना ये भी नहीं है, टू मर्डर समवन ये भी नहीं है, टू सरेंडर टू द एनिमी ये भी नहीं है, टू हैंडल डिफिकल्टीज डी आंसर जाएगा, डिफिकल्टीज को कौन कर रहा है बुल्स, इस तरीके से याद होगा। टू फ्लॉक ए डेड हॉर्स, मरे हुए हॉर्स को जगाना मतलब कोई ऐसा काम करना जो वेस्ट हो, और टू वेस्ट फोर्थ ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। टू एक्सेप्ट ए चैलेंज, ये इसका आंसर नहीं होगा। टू कंप्लीट द वर्क, ये भी नहीं है। टू मेक ए वेस्ट यूज, ये भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज टू एड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग को और बढ़ा देना, मतलब सिचुएशन को और खराब कर देना, तो सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ये नहीं है। एक्सपर्ट संबंध शोषण करना ये भी नहीं है। क्लेम डाउन द सिचुएशन, सिचुएशन को मतलब कम कर देना ये भी नहीं है। टू मेक द सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को और बिगाड़ देना, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कोई भी चॉइस ना रखना, केवल जो है उसी में काम करना पड़ेगा। और टू बी इन एन एग्रेसिव मूड व्हेन फेसिंग ए चैलेंज, ये भी नहीं है। टू चैलेंज एन एडवर्सरी ओपोनेंट, ये भी नहीं है। एंड अपेरेंटली फ्री चॉइस, देयर इज नो रिलेटिव, रिलेटिव मतलब चॉइस अल्टरनेटिव सॉरी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। टू एक्सरसाइज द चॉइस टू सरेंडर बिफोर द एनिमी, ये भी नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत सिंपल सिंपल है, वाई एंड वाई मतलब होता है धीरे धीरे करना, सडनली अचानक से नहीं होगा, ऑन द होल कम्प्लीटली होता है इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ग्रेडुअली होता है धीरे धीरे ये हो जाएगा। बाई एनिमी इसका मतलब होता है किसी भी तरह से, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। चिकन हार्टेड, चिकन हंडेड का मतलब होता है डरा हुआ होना, तो कोबाल्ट का मतलब डरा हुआ होना, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैसरली मतलब होता है कंजूस, ये इसका आंसर नहीं है। जिनरस मतलब होता है दानी और उदार, ये भी इसका आंसर नहीं है। सेल्फिश होता है सेल्फिश दान नहीं है, इसका क्या बताऊँ, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कोबाल्टी। और नेक्स्ट वन इज पुल ए फास्ट रन, पुल ए फास्ट रन का मतलब होता है ट्रिक, किसी को धोखा देना, तो फास्ट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस फास्ट, ये भी नहीं है। टेक जो कि एक्शन, तुरंत एक्शन लेना, ये भी नहीं है। बिलीव समवन इजली, किसी पर आसानी से विश्वास कर लेना, ये भी नहीं है। टेक समवन मतलब होता है धोखा देना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सी आई टू आई, आई टू मतलब आंखों में आंखें लगा कब देखते हैं, जब उस श्वास से अपन सहमत होते हैं, तो स्टेर संबंध ये भी नहीं है। किसी को ताड़ना होता है इसका मतलब ये नहीं है। सी क्लियरली ये भी नहीं है। बी सस्पिशियस मतलब होता है संदेहजनक, ये भी नहीं है। एग्री विद संबंध इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज लाइक ए डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म, मरा हुआ तूफान के अंदर मतलब उदास होना, तो डेरिंग इसका आंसर नहीं होगा, कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकता, कंफर्टेबल भी नहीं है, डिजेक्टेड मतलब होता है निराश उदास, ये इसका आंसर होगा। टू पैडल वंस ऑन कैनोए मतलब अपना काम खुद करना, तो डिपेंड ऑन वन सेल्फ, ये इसका आंसर है। टू टेक रेस्ट, ये भी नहीं है। टू एक्सरसाइज हार्ड, ये भी नहीं है। टू एक्ट इन ए चाइल्डिश वे, वे इसको थोड़ा सा इधर लेकर करता हूँ, एक सेकंड, वे, तो ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डिपेंड ऑन वन सेल्फ, खुद पर डिपेंड करना। नाउ 25 इज लुक डाउन अपॉन, नीचे निगाह से अपन नीचे देखते हैं, तो निगाह से देखने मतलब कोई चीज बुरी होनी चाहिए, तो लुक टू लुक फॉर समथिंग अंडरग्राउंड, ये भी नहीं है। अंडरग्राउंड का अंदर देखेंगे अपन उसको। टू बी फुल ऑफ गिल्ट, गिल्ट से भरा हुआ होना, ये भी नहीं है। अपन गिल्ट से नहीं भरेगा किसी चीज को गन मतलब बेकार नजर से देख रहे हैं उसको। टू लुक डाउन फ्रॉम हाइट, ऊपर से नीचे देखना, ये भी नहीं रहेगा। टू कंसिडर समथिंग समवन इनफीरियर, मतलब बुरी तरह से देखना, मतलब कोई चीज गंदी हो, मतलब लेस गुड, बॉस बोल सकते हैं उसको, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट होता है अपडेटेड रहना, कीप द गुड वर्क, नो, कीप एयर सबसे आगे रहना, नहीं, कीप ए वॉच ऑन, नहीं, कीप वन सेल्फ अपडेटेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट मतलब पॉइंट पर आना, घुमा फिरा कर कोई बात मत करना, है ना, घुमा फिरा कर बात करने को क्या बोलते हैं, सरकम लोकेशन, तो
उसको बोलेंगे कम टू द पॉइंट। टू मीट एट ए डेजिग्नेटेड प्लेस, ये नहीं है, जगह की बात हुई नहीं है, मिस्टेक की बात हुई नहीं है, मिस्टेक होता है सीक्रेट। टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियलिस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा, साफ साफ बताना कि क्या हुआ है। टू रिकंसल्ट समथिंग, मतलब समझौता करना, ये भी नहीं है, रिकंसल्ट को फ्रेंडली भी कहते हैं। के वे पिंच ऑफ वंस माइट, मतलब अपना गुस्सा किसी और पर दे देना। तो रिव्यू समथिंग स्ट्रांगली, रिव्यू मतलब डांटना फटकारना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। टू शेयर वंस आइडिया, अपना आइडिया देने की बात नहीं है, गुस्से की बात हुई है। टू डिनोट समथिंग वैल्यूएबल, ये भी नहीं है। टू एडवाइस संबंध, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, कट एंड ड्राइड, काटा हुआ एंड सूखा हुआ, मतलब पहले से डिसाइड किया हुआ। तो वेरी ओल्ड नहीं, वेरी हर्ट मतलब बोल रहे थे, छोटाई हुई, ये भी नहीं है, ऑलरेडी डिसाइड, ये इसका आंसर हो जाएगा। डेड एंड बॉन, ये भी नहीं। नाउ 30 इज किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब दो रिजल्ट एक ही काम से कर देना। तो टू प्लांट टू मल्टेनियसली, ये नहीं है। टू ट्राई समथिंग पॉसिबल, ये भी नहीं है। टू अचीव टू रिजल्ट विथ ए सिंगल कोट, एक अपोर्ट से दो रिजल्ट प्राप्त करना, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टू बी एन एक्सपर्ट शूटर, शूटर की मारने की बात नहीं कर रहे हैं पर, ये केवल आइडिया में प्रेसेस है। टू मेक ऑफ मतलब होता है भाग जाना, चले जाना। टू रन अवे, ये इसका आंसर हो जाएगा। टू ट्रांसफर नहीं हुआ, समझने की बात भी नहीं की है, डिस्कवर की बात भी नहीं की गई। नाउ नेक्स्ट वन इज 33, ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर अपने कुछ दिखाई नहीं पड़े कि आगे क्या होने वाला है, इसको आप ब्लाइंड से याद कीजिए कि अंधा व्यक्ति है, उसको आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। ए स्टेट ऑफ डीप थॉट, ये नहीं है। ए पर्सन हु कम्स टू मीट ओकेशनली, ये भी नहीं है। ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि उसको पता नहीं है आगे कौन सी प्रोग्रेस होने वाली है। सिचुएशन के अंदर टेकिंग फर्स्ट स्टेप आफ्टर समबडी अप्रोच, किसी के जाने के बाद दूसरा अपना फर्स्ट स्टेप लेना, ये तो बिल्कुल नहीं है। डी एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट करते हैं अपन तो अपने वो कलर चेंज करने पर या गैस निकलने पर जाने पता लगता है, ऐसी उससे भी अपन प्रूफ करते हैं कि ये टेस्ट कम्प्लीट होता है। उसी के अकॉर्डिंग ए सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन ऑन क्राइसिस, नहीं, क्राइसिस में होता है क्रिटिकल सिचुएशन, क्राइसिस मतलब समस्या, क्राइसिस में होता है समस्या, तो ये इसका आंसर नहीं है। एंड अनप्लेसेंट और अनऑब्वियस टेस्ट, ये भी नहीं है। ए फैक्ट इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, ये इसका आंसर, जो फैक्ट सिचुएशन को कुछ प्रूव करता है उसको बोलेंगे डी एसिड टेस्ट। थ्रो एसिड ऑन समवन, ये तो बिल्कुल नहीं बनता। 35, टू टेक ए बैक सीट, मतलब पीछे बैठकर काम करना, तो उस पर कम पावर होगी और वो लेस इम्पॉर्टेंट होगा, तो टू बिकम लेस इम्पॉर्टेंट और टू गिव कंट्रोल ओवर थिंग्स, ये आंसर हो जाएगा। टू बी लेस सक्सेसफुल इन वन सपोर्ट, नहीं। टू गो थ्रो ए शॉर्ट बट अनप्लेसेंट पीरियड ऑफ टाइम, ये भी नहीं है। टू लेक्चर ऑफ क्रिटिसाइज समवन, क्रिटिसाइज द पर्सन हु इज एक्चुअली इन कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी की आलोचना करने की बात नहीं है। सब आए लास्ट 9 तारीख को आया हुआ है थर्ड सेक्टर। नेक्स्ट इज टू वर्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत पेड़ को काटना, मतलब कोई गलत काम करना जो उस टाइम के लिए सिचुएशन के लिए सही नहीं है। टू मेक ए साउंड लाइक दैट ऑफ डॉग, कुत्ते की तरह आवाज निकालना, ये भी नहीं है। टू कवर वंसेल्फ विद द आउटर कवरिंग ऑफ ए रॉक ट्री, टू कवर वंसेल्फ विद द आउटर कवरिंग ऑफ ए रॉक ट्री, ये भी नहीं है, कवर करने की बात नहीं भी है। टू साउंड और अपीयर फिरोसियस में लगता है उग्र बट नॉट एक्चुअली सो, ये भी नहीं है। टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, ये है, क्योंकि अपन को जो प्राप्त करना था वो नहीं मिल रहा, उसके लिए कुछ और मिल रहा, क्योंकि अपन गलत काम कर रहे थे, इसलिए ये इसका आंसर डी होता है। नेक्स्ट तो वन ही शायद देखते हैं, नहीं है। तो 8:30 में पैसे इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। एंड मैंने इस मेरी अभी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है रियल डिटेक्शन की, वो भी चाहिए तो मैं अभी इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के एंड में,
आप जाकर देख लेना। एंड इसके बाद अपन लेंगे अब एरर डिटेक्शन, वो भी SSC CGL 2019 के आए हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँगा।